नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, कपास का फसल हमारे लिए एक लाभकारी फसल होता है और कपास के फसल में फलों के आने के बाद कई तरीके के सुंडियों का संक्रमण देखने को मिलता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे कपास के फसल में सुंडियों को बहुत ही अच्छी तरह नियंत्रित करता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारिजात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के AC-116 इंसेक्टिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या टेक्निकल दिया गया है और इस इंसेक्टिसाइड को हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर कैसे कार्य करता है और इंसेक्टिसाइड किन किन कीटों को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज, प्राइस और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी कृषि संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, AC-116 इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल है क्लोरोपायरीफॉस 16% प्लस अल्फा साइपरमेथ्रिन 1% EC। ये इंसेक्टिसाइड एक इमल्सिफिएबल कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक तरल लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये इंसेक्टिसाइड सबसे बड़े समूह ऑर्गेनोफॉस्फोरस से जड़ित है। AC-116 एक बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो लगभग सभी प्रकार के सुंडियों को प्रभावी नियंत्रण करता है। ये इंसेक्टिसाइड अपने संपर्क क्रिया से टारगेट किए हुए कीटों को तुरंत मार गिराता है, जिससे हमारे फसल पर कीटों का कम नुकसान देखने को मिलता है। इस इंसेक्टिसाइड में जो टेक्निकल दिया गया है क्लोरोपायरीफॉस 16%, यह है एक नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो हमारे फसल पर संपर्क, पेट क्रिया और श्वसन प्रणाली के द्वारा कार्य करता है। क्लोरोपायरीफॉस कीटों में होने वाले कोलाइनस्टेरेज प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कीटों को मारता है। और इसमें जो दूसरा टेक्निकल दिया गया है अल्फा साइपरमेथ्रिन 1%, यह है सिंथेटिक पायराथ्रोइड समूह का एक नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कीटों के मुख्य कोशतंत्रिका और पेरिफेरल कोशतंत्रिका के झिल्ली में सोडियम चैनल के माध्यम से सोडियम आयन के मार्ग को अवरोध करके कीटों को नियंत्रित करता है। AC-116 इंसेक्टिसाइड को हम कीटों के संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद दोनों ही परिस्थितियों में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और प्लांटोनिक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके रेनफास्टनेस के बारे में तो AC-116 इंसेक्टिसाइड छिड़काव के 3 से 4 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तब भी हमको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम इसके फसल छिड़काव के बारे में बात करेंगे। तो AC-116 इंसेक्टिसाइड को हम धान, कपास, मूंग, मूंगफली, चना, मटर, सोयाबीन के अलावा अन्य सभी सब्जी वर्गीय फसल, अनाज वर्गीय फसल और फूल फल वाले फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में तो AC-116 इंसेक्टिसाइड अमेरिकन इल्ली, हरी इल्ली, गुलाबी इल्ली, छबेदार इल्ली, फल छेदक, तना छेदक और थ्रिप्स को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो AC-116 इंसेक्टिसाइड को कपास के फसल में 50 ml प्रति 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 500 ml मिलाकर छिड़काव करें और अन्य फसलों में 35 से 40 ml प्रति 20 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 350 से 400 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो AC-116 इंसेक्टिसाइड का असर हमारे फसलों पर 12 से 15 दिन तक देखने को मिलता है। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो AC-116 इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 250 से 300 रुपए में मिल जाता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।